हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है सूर्यकंद मधुकर और आप देख रहे हैं एडवांस टेक मधुकर चैनल। तो कैसे गाइस, आप आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए गाइस, ये देखिए, मेरे पास एक फ्लिपकार्ट से स्मार्ट वॉच मंगाया था जो कि मेरे पास आ गया है अभी, और इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं, जानेंगे कि ये स्मार्ट वॉच हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए और इसमें क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है। चलिए गाइस, देख लेते हैं इसको। चलिए गाइस, इस बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के लिए यहाँ पास जो पैकिंग है, पैकिंग को पहले हम खोल लेते हैं गाइस। देखिए कुछ ऐसा आपको भी ब्लेड वगैरह लेना पड़ेगा इसको काटने के लिए गाइस। देखिए इसको काट लेते हैं हम। ये देखिए, इसको ओपन कर लेते हैं हम। अच्छे से काटा नहीं गाइस इसको, और अच्छे से काट लेता हूँ। ये देखिए इतना बड़ा पैकिंग दिया हुआ है जो कि इसमें छोटा सा और अंदर में बॉक्स है इसका। इसको निकाल लेते हैं गाइस। ये देखिए, ये T100+ स्मार्ट वॉच इसमें लिखा हुआ है गाइस। ये मेरे को अभी मार्केट में लगभग 1400 रुपये पड़ा है गाइस। ठीक है, इसको ये बड़ा बॉक्स को साइड में कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरे को 1400 रुपये का पड़ा है, ये स्मार्ट वॉच है। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं गाइस। ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पास एक और पैक टेप लगा हुआ है, इसको भी हम कट कर लेते हैं। देखिए गाइस, कट कर लिए, इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, इसके अंदर में, बॉक्स के अंदर में ये हमारा, ये देखिए स्मार्ट वॉच है गाइस। देखने में कितना अच्छा बेहतरीन दिख रहा है इसका लुक। ये देखिए गाइस, इसको साइड में कर लेते हैं। ये इसका पट्टी दिया हुआ है गाइस, ये देखिए दो पट्टी दिया हुआ है जो कि अलग अलग अभी निकला हुआ है, हमको इसको फिट करना पड़ेगा। साथ में एक चार्जर दिया हुआ है इसका, ये टाइप ए टाइप का चार्जर है जो कि हमारे एडाप्टर में ये लग जाएगा, और ये इसका चार्जिंग करने के लिए दिया हुआ है गाइस। जब इसको हमको चार्जिंग करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पास ये दो पिन दिए हुए, और यहाँ पास ये दो दो पिन है। इसको इस टाइप में यहाँ पर हम रखेंगे गाइस। ये देखिए यहाँ पास ये जो बड़ा सा आपका एरिया दिख रहा है, और यहाँ जो बड़ा उभरा वाला एरिया है, ये देखिए गाइस उभरा वाला एरिया है, इसको यहाँ ला करके हम इस टाइप का रख देंगे। ये मैग्नेटिक वाला है गाइस, स्मॉल मैग्नेटिक, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये मैग्नेटिक टाइप का है। देखिए इस, ज़्यादा मैग्नेट नहीं है, थोड़ा थोड़ा मैग्नेट है बस। ये इसको अच्छे से इसका वेट को ये लोड कर ले रहा है, इसका वेट को नहीं ले पाएगा गाइस ये। इसको सिम ऐसा हम जब रखेंगे तो ये मैग्नेटिक वाला है, इसको ये चिपक जाएगा। और इसको हम 1 एम्पियर 2 एम्पियर का जो हमारा एडाप्टर चार्जर है, हम इसमें उसको लगा सकते हैं। ठीक है, इसका बॉक्स को हम पहले साइड में रख लेते हैं। इतना है गाइस हमारे पास, ये दो इसमें बेल्ट दिया हुआ है इसको, और एक चार्जर है, एक हमारा स्मार्ट वॉच है। गाइस इसको एक बार हम चालू करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो एरिया हमारा, ये जो लॉक करने वाला जो बेल्ट दिया हुआ है, इसको बेल्ट को हम लगा लेते हैं। ये इसमें दोनों तरफ का आपका, ये देखिए कुछ कुछ खांचा इसमें दिया हुआ है जो कि, और यहाँ भी दिया हुआ है गाइस। ये देखिए, ये दिख पा रहा होगा गाइस, इसी में ऐसा करके लग जाएगा। ये देखिए गाइस, ये हमारा ये लग गया है, और इधर वाला जो भी है इसको भी हम लगा लेते हैं गाइस। अब इधर से भी लगाइए, इधर से भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी एरिया से इसको लगा सकते हैं। देखिए गाइस, इधर से भी ये लग गया है, कितना बेहतरीन ये जल रहा है हमारा, इस टाइप का रहेगा गाइस। ये देखिए यहाँ पास दो बटन दिया हुआ है, ये पावर ऑन ऑफ का है, और ये हमारा ये सेटिंग करने के लिए। चलिए गाइस, इसको एक बार चालू कर लेते हैं हम। ये देखिए, ये चालू हो गया, फिट प्रो के नाम से ये चालू हो गया। ये देखिए, और ये टच प्रूफ है गाइस। ये देखिए, इसको ऐसा लाइट करेंगे तो हमारा अलग अलग टाइमिंग को ये दिखा रहे गाइस। ये देखिए, इसमें भी 12 बजने वाला टाइमिंग इसमें भी शो कर रहा है।
ये देखिए गाइस, बहुत सारे इसमें टाइमिंग दिया हुआ है। इधर वाला हम बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे ये हमारा अलग, अभी जब तक हम इसको प्रेस नहीं करेंगे गाइस तब तक ये अपना जो घड़ी जो क्लॉक वाला एरिया में रहेगा इसको प्रेस करेंगे तो हमारे इसमें बॉडी सेंसर जो भी लगा हुआ है ये आएगा गाइस। ये देखिए गाइस, इसको मैं एक बार कर ली हूँ, आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये हमारा बॉडी सेंसर का गाइस, इसमें आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, इसको अच्छे से सेटिंग करना पड़ेगा गाइस। ये देखिए मेरा बता दिया 118/80 का मेरा लेवल जो है, ऑक्सीजन लेवल 98% का है। ये देखिए गाइस, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंक करने के बाद में कुछ टाइम बाद ही अपना दिखा देगा, कुछ टाइम का टाइम लेता है। देखिए 90% का मेरा टेम्परेचर, 117/83 का। ठीक है, इस टाइप का इसको हम लोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये ब्लूटूथ कनेक्टिव वाला भी है गाइस। ये देखिए बहुत सारे इसमें फीचर दिए हुए, कॉलिंग का है, कॉन्टेक्ट का है, और साथ साथ ये हार्ट बीट का है, गाना सुनने वाला है, और बहुत सारे गाइस। ये देखिए, जैसे हम लोग साइट कर सकते हैं कहाँ से क्या होगा, ऊपर नीचे टच वाला है गाइस, टच भी हो जाता है। ठीक है, इसमें कैमरा भी दिया हुआ है हमारा। ये जब ब्लूटूथ से ये कनेक्ट हो जाएगा गाइस, हम इसको जब भी इसको ब्लूटूथ से हम कनेक्ट कर लेंगे उसके बाद में इसमें कैमरा दिया हुआ है। कैमरा जैसे ही स्टार्ट करेंगे हमारा ये जब ब्लूटूथ से कनेक्ट रहेगा तो हमारा फ़ोन का जो कैमरा है उसको ये ऑन कर देगा गाइस। बात करेंगे इस इसका बैटरी बैकअप का, हम इसको आधा से 1 घंटा तक इसको चार्ज कर सकते हैं गाइस। और ये आधा 1 घंटा, अगर 1 घंटा चार्ज करने में ये पूरा 2 से 3 दिन तक बैटरी बैकअप देता है। इसके बॉक्स में गाइस हमको ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसके जो जो मैनुअल आता है उसमें, और जो फ्लिपकार्ट का जो उसमें है, ये 3 दिन तक के इसका बैटरी बैकअप दिया है। ठीक है, इस और चार्जिंग का 1 एम्पियर या 2 एम्पियर का कोई भी चार्जर से इसको यूज कर सकते हैं इस। और ये वाटर रेजिस्टेंस भी है। इसमें वारंटी की बात करें गाइस, ये वारंटी 3 3 महीने की इसमें वारंटी दे रहे हैं हमको। और बाकी लुक तो बहुत बढ़िया है गाइस, ये देखिए कितना बेहतरीन तरीका से ये लग रहा है। वारंटी 3 3 महीने का दे रहा है, 1400 प्राइस का है। और ब्लूटूथ भी है गाइस, इसमें ब्लूटूथ से हम कनेक्ट कर लेंगे और जब भी इसको हम अपने हैंड में पहने रहेंगे और ब्लूटूथ कनेक्ट रहेगा तो हमारा जब भी कोई भी कॉलिंग वगैरह मैसेज आएगा तो यहाँ पर से हमारा सामने में शो कर लेगा, मैसेज आ रहा है कि कॉल आ रहा है कि SMS आ रहे हैं। बस ये इसका एक डिसएडवांटेज ये लगा गाइस मेरे को कि हमारे पास इसमें कोई भी कॉलिंग अगर आता है तो कॉलिंग आने के टाइम इसमें रिसीव और कॉल कट करने का यहाँ सिम्बॉल्स तो आता जरूर है, लेकिन किस नाम से कॉल आ रहा है वो शो नहीं करता गाइस इसमें। वो सेटिंग में है कि ESC में है ये देखना पड़ेगा गाइस। मेरे हिसाब से तो ये स्मार्ट वॉच में ही है कि इसमें भी कोई भी कॉलिंग आता है तो यहाँ पर सिर्फ ग्रीन कलर का कॉल रिसीव करने का और एक रेड कलर का कॉल डिसकनेक्ट करने का बस ऑप्शन आता है। किस नाम से कॉल आ रहा है, कौन कॉल कर रहा है, ये इसमें जानकारी नहीं हो पा रहा है गाइस। बाकी तो ठीक है गाइस, वॉच वगैरह बढ़िया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और चाहे तो बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू गाइस।